साथियों, मेरठ की इस धरती का, देश की अखंडता और एकता से बड़ा रिश्ता रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर मंगल पांडे की कर्मभूमि है। ये धरती धनसिंह कोतवाल जैसे शूरवीर की धरती है। शौर्य की इस धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने चार पांच दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडी अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या, देश का भला कर सकता है क्या, देश को एक रख सकता है क्या? साथियों,
इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई, भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और यहां का एक नागरिक कभी भी कांग्रेस सपा जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते। साथियों, चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया था। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। यहां तो इतनी बड़ी अनाज मंडी है, यहां की गुड़ की मंडी सारे देश में जानी जाती है। आप भूले नहीं होंगे कि कैसे आप गन्ना किसानों को परेशान किया गया। गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपए बकाया होना सामान्य बात हो गई थी। चीनी मिलों को धड़ाधड़ बंद किया जा रहा था, कोड़ियों के भाव बेचा जाता था। मोदी ने किसानों के साथ हो रही ये सारी हेराफेरी बंद करा दी है। साथियों, हम गन्ने की खेती को चीनी और गुड़ तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम देश की हर गन्ना बेल्ट को देश की ऊर्जा बेल्ट भी बनाना चाहते। गन्ने से बनने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले, इसके लिए आज देश भर में काम हो रहा है। 10 वर्ष पहले सिर्फ 40 करोड़